जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से। आरआरबी जेई और टेक्नीशियंस पैरामेडिकल के स्टैंड बाय कैंडिडेट्स के लिए खास करके हम ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे रांची के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कि आप सभी अवगत हैं डिमांड काफ़ी कम है और स्थिति का बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति क्या है, काफ़ी ख़राब है। तो रांची बोर्ड के सभी कैंडिडेट्स ने एक आम सहमति बना करके निर्णय लिया है, चूँकि 497 कैंडिडेट्स अभी भी वेटिंग में हैं और यहां से डिमांड अगर आपको एससीआर और ईसीआर दोनों मिलाकर बात करें तो 100 से भी कम है, तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। और ऐसी स्थिति में आपका वेटिंग तो फिलहाल क्लियर नहीं होने जा रहा जो स्थिति है। इसमें हम सभी की बहुत सारी मांगें हैं, बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर कि हम लोग ईसीआर में प्रोटेस्ट करने की योजना बना चुके हैं। ये डेट भी फाइनल हो चुका है, 8 फरवरी को जो लोग वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए हैं या सक्रिय नहीं हैं, तो आपको सक्रिय होने की ज़रूरत है। और आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको खुद के लिए अब कम से कम अपने घरों से बाहर निकलना होगा। हम हर बार कह रहे हैं कि जाग जाइए, नहीं अगर जगे तो फिर आपको अफसोस के सिवाय जीवन भर आपके पास कुछ नहीं होगा। हम अभी भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को फ़ोन करते हैं तो कोई कहते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं, कोई कहते हैं कि हम फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई कुछ बहानेबाजी कर रहे हैं। तो आपको हम यही कहेंगे कि अगर आप कहीं भी हैं तो आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको निश्चित तौर पर आना चाहिए, और अगर नहीं चाहिए नौकरी आपको तो फिर उसके लिए कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको नौकरी चाहिए तो ईसीआर आइए 8 फरवरी को सुबह जितनी जल्द से जल्द हो सके आप वहां पहुंचिए। ईसीआर जोन के सामने हम लोग प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम सभी को एक ठोस आश्वासन लिखित रूप में जब तक नहीं मिल जाता तब तक वहाँ आंदोलन चलेगा। तो आप लोग मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर सभी प्रकार से प्रिपेयर्ड होकर के आइए। अगर नौकरी चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो खैर कोई उसकी बात ही नहीं है। तो 8 फरवरी को डेट फाइनल हो चुका है, सभी कैंडिडेट्स का पहुंचना अनिवार्य है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको आप अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, साथ ही साथ और कितने घरों के उम्मीदों को आप तोड़ रहे हैं। तो अगर आपको कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम अन्य लोग जो कि जिनको कि एकदम ज़रूरत है नौकरी की, उसको उसके कल्याण के लिए कम से कम आप ज़रूर आ जाइए, ताकि आपका भी तो कल्याण होगा ही होगा, साथ ही और भी बहुत सारे लोगों का। बात 497 घरों में दीपक जलाने की है, 497 घरों के चूल्हे को जलाने की है। तो अगर आपको आपके एक प्रयास से, आपके एक छोटे से सहयोग से अगर एक मजबूत ताकत बनकर के पूरा समूह अगर उभरता है और अगर मांगें पूरी होती है तो आपका भी लाभ, सभी का लाभ होगा। तो एक अच्छा कदम है ये, इसमें निश्चित तौर पर आपको साथ आना चाहिए। और अगर आप साथ नहीं आते हैं तो खैर उसके लिए बहुत सारी बातें ग्रुप्स में भी लिखी जा रही है, कही जा रही है। आपके अंदर अगर थोड़ी भी ज़मीर है, थोड़ी भी इंसानियत नाम की चीज़ अगर बची हुई है तो अब कम से कम जागिए और आ जाइए ईसीआर प्रोटेस्ट में। 8 फरवरी को हम डेट बार बार दोहरा रहे हैं, ईसीआर हाजीपुर आपको आना है। तो आप सभी पहुँचें और बिना कोई बहाना किए, बिना कोई एक्सक्यूज किए हुए आप सभी को निश्चित तौर पर पहुँचे। क्योंकि जब मैं फ़ोन करता हूँ तो कोई कहता है साली का शादी है, कोई कहता है कि तबीयत ख़राब है, कोई कहता है ट्रेन कैंसिल है, वगैरह वगैरह। हमने एक दिन 30-33 लोगों को फ़ोन किया, सारे के सारे लोग, एक भी उसमें से मात्र 2 लोग एग्री हुए जो कि पहले से ही फ़ोन करने से पहले से ही एग्री थे कि हम DDU और आपको धनबाद डिवीज़न विजिट करने का था, तो वहाँ के लिए ये लोग प्रिपेयर्ड हुए थे पहले से ही, कॉल करने से एक भी व्यक्ति नहीं आया और नहीं आने को सहमत हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डेट पहले पता चलना चाहिए, तो हम आज ही यानी 4 तारीख को ही वीडियो बना करके आप सभी को बता दे रहे हैं कि 8 को है, 4 दिन पहले बता रहे हैं। अब कम से कम आ जाइए और बिना सभी बहाने छोड़ करके, बिना कोई एक्सक्यूज के पहुँचिए। जय हिंद, धन्यवाद।